हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स ऑन व्हील्स। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई आज का मौसम बहुत सेक्सी है, मतलब तुम देख सकते हो कभी बारिश हो रहा है, कभी बारिश बंद हो रहा है। तो भाई चॉइस ये रहा कि चलो निकला जाए, आज क्यों ना राइड किया जाए। ऐसे घर के काम में थोड़ा बिजी था रिगार्डिंग बिजनेस एंड ऑल, इसके वजह से थोड़ा वीडियो मेरा ऐसे ही लेट रहता है। एक डिसअपॉइंटमेंट ये भी है कि व्यूज एंड लाइक्स शेयर्स को लेकर आज का प्लान ये था कि आज बाइक वॉश मतलब कराया था, सुबह वॉश कराते फिर हम लोग थोड़ा चलते लॉन्ग राइड पे। बट सुबह से इतनी बारिश हो रही है, सुबह 5 बजे से इतनी बारिश हो रही है। यहाँ का वेदर मतलब जून से ही ऐसा हो गया है, तो जुलाई आने वाला है, इट्स एंड ऑफ द मंथ, ऐसा हो गया। पता नहीं था, यहाँ तो सही से आम भी खाने को नहीं मिला है और यहाँ मौसम बरसात आ गई है। तो बरसात का डिमेरिट बाइकर्स लोग के लिए ये भी है कि हम लोग बाइक राइड नहीं कर सकते हैं। सो व्हाट, वीडियोज आएंगे बट कार में आएंगे, तो क्योंकि अब लॉन्ग राइड प्लान किया जाएगा बाय कार ड्यूरिंग मॉनसून। बाइक को कर दिया जाएगा पैक और उसके बाद हम लोग कार पे गेड़ियाँ मारेंगे। बट स्टिल जब तक प्रॉपरली मॉनसून में आया था तब तक यार इंदा देखो फिर से बारिश हो गई। यार मॉनसून बोलते ही बारिश हो जा रही है, तब तक यार थोड़ी इंजॉय कर लेते हैं। आज अपने साथ है एक 220 जिसके क्रैश हो गई थी डायमंड हार्बर वाले रूट पे, वो भी हम लोग के साथ है। तो हाँ, वो एक्सीडेंट के बाद तो मैं 220 का टॉपिक ही भूल गया, क्योंकि वो बंदा जो था वो यहाँ नहीं रहता है, बाहर रहता है, तो वो भी बाहर चले गया। बाइक में टोटल खर्चा आया था 55,000 के आसपास, पूरे फ्रंट फेयरिंग फेंडर्स क्या क्या। हाँ ये अच्छा बात है कि इंजन में कोई नुकसान नहीं हुआ था। सो ही इज अ गाय अनदर। और एक अच्छी बात ये है, मेरे लिए अच्छी है और सबके लिए अच्छी नहीं है, कि भाई मैं रेनकोट कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार आज बारिश हुई तो भाई भीगना तो बनता है। यार काफी दिन बाद राइड पे निकले हैं। अरे भाई साहब इतनी ज्यादा इतनी जोर की बारिश जाते वक्त, वो भी भाई कहीं कैमरा ना खराब हो जाए। बसंती हाईवे वाली रूट और मुझे लग रहा है कैमरा कब करना होगा बंद, क्योंकि भाई वाटर प्रूफ केसिंग मैं इसमें नहीं लगाया हूँ। सो कैमरा को करना होगा बंद और हम लोग भीगने वाले हैं बहुत जोरों से। बट यहाँ का नज़ारा दिखा के कैमरा बंद करेंगे। सी द व्यू मैन, ओह जस्ट वेट एंड वॉच द व्यू। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस बैक अगेन, और हम लोग बसंती हाईवे ले लिए थे, जब मुझे कैमरा रखना पड़ा। तो यहाँ देखो, यहाँ लग रहा बारिश हो गई नहीं, देखो बादल देखो, ओह सेक्सी। तो भाई हम लोग बसंती होते हुए न्यू टाउन ले लेंगे, न्यू टाउन में थोड़ा घूमते फिरते वापस घर निकल लेंगे। कोई काम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, जस्ट निकल चले। और बुराई ये है कि यहाँ
यहाँ गाड़ी बहुत रफ चलाते हैं सर, तो बहुत रफ। अभी यहाँ पे पुलिस भी नहीं है, नो लाइट्स, नो ट्रैफिक रूल, कुछ भी नहीं मिलेंगे। आगे एक दो सिग्नल वगैरह मिलेंगे बस। आप देखो, देख लो, देख लो। फिर काले बादल घेर रहे हैं, फिर हमें ये भिगाएंगे। मैं पूरा गीला हो गया चुका हूँ, एकदम पूरा गीला। बट स्टिल सो फार सो गुड, एंजॉयिंग। ये देखो यहाँ पूरा रोड सूखा ही है, मतलब लग रहा बारिश हुआ ही नहीं है यहाँ पे। अरे हेलमेट पूरा ड्रॉपलेट से भरी है, एकदम ड्रॉपलेट्स और वेपर्स से। भी ज्यादा काम से तो हम लोग कोलकाता वाली लेफ्ट ले चुके हैं, और यहाँ का जो रोड है ना, सेक्सी। बट ये सेक्सी रोड को ये लोग बिगाड़ दे रहे हैं। जैसे दीघा के रिटर्निंग वक्त में जो नहीं आता है जैसा रोड, एकदम वैसे ही है। यार ये लोग यहाँ गिट्टी क्यों बिछा के रखे हैं यार। यार ये क्यों वॉबल क्यों किया है। क्या कर रही है आंटी। Few moments later. ओ यार हम लोग अब न्यू टाउन वाले रोड में आ गए हैं। Just look at the view. So we are now heading towards Shuttle Shuttle. एक छोटी सी हाईवे राइड भी हो गई, सिटी राइड भी हो गई, बारिश में भींग भी लिए, मौसम भी वापस से अच्छा हो गया, और हम लोग फिर रोड पे उतर चुके हैं। हेलो पुलिस अंकल, हम लोग रेस नहीं खेल रहे हैं। लुक एट द विश्व बांग्ला गेट, ऑफ क्या लगती है। तो यहाँ से देंगे अपन राइट। क्या कर रहा है यार, लेफ्ट देखो यार। कैमरा और हेलमेट फिर से गंदा होते हुए।
डाउन हिल वी हैव टू टेक राइट। तो यहाँ से एज यूजुअल हम लोग लेफ्ट लेते हैं। This is the Eiffel Tower। यहाँ से राइट जाता है इको पार्क, ये इको पार्क वाली गेट है। उफ, अभी स्लिप हुआ था बाइक। One hour later। तो यार यहाँ पे आके लग रहा है कि यहाँ फिर बारिश में लोग फंसे हैं फ्लाईओवर में, क्योंकि बादल का हालत कुछ ऐसा है और बस अब बारिश ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब बारिश हुआ था वो बारिश हो गया, हम लोग का बदन सूख भी चुका है, मतलब पूरा कपड़ा सूख चुका है। कैमरा में अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स लगे हुए होंगे। नाइट राइड का एक अलग ही मजा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ। हाँ, एक जो मॉल्स वगैरह में जो गेम आते हैं, गेम जोन, साल सिटी मॉल में जो गेम जोन है, उसमें जब मैं छोटा था तो वही बाइक में बैठ जाता था और ऐसे ऐसे लेके लीन वगैरह, एकदम वैसे ही लग रहा है जैसे मैं अभी छोटा बच्चा हूँ। और हाँ, वो गेम वाला बाइक नहीं, बट यहाँ पे असली बाइक चला के गेम खेल रहा हूँ। एकदम मौसम भी कुछ ऐसे ही रहता था, एकदम ऐसा रहता था मौसम। उफ, क्या लग रहा है, व्हाट अ व्यू मैन, एकदम वैसे ही लग रहा है। और ये सामने मेरे रेसर्स लोग कुछ जा रहे हैं और मैं रेस खेल रहा हूँ। लीन बॉडी पॉस्चर्स सब एकदम वैसे ही लग रहा है, याद आ जा रहा है एकदम बचपन।
ऐसे हाल फिलहाल ही बारिश हुआ है। भाई साहब यार इतना भी एक्सट्रीम नहीं जाना था। तो रखते हैं वीडियो यहीं तक, मिलेंगे फिर अगली ब्लॉग पे। और यार अब तो भाई ट्रैवल ब्लॉग आने वाला है, सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि भाई मानसून का टाइम आ गया है, तो वी विल गो फॉर ट्रैवलिंग। एक बार ये एग्जाम्स खत्म हो जाए, मेरे सेमेस्टर टू के एग्जाम्स चल रहे, अरे भाई क्या कर रहा है, एक बार ये सेमेस्टर टू के एग्जाम्स खत्म हो जाए हम लोग फिर भाई प्लान हो रही है मतलब गाड़ी से कहीं निकलने की। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर, आगे का ट्रैवलिंग ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फ्यू मोमेंट्स लेटर राइड करने के बाद बाइक का कुछ ये हालत है, उफ कितने गरीब भाई साहब, सामने का देखो, अरे ये हेलमेट का हाल, टेल टाइडी नहीं लगाने का फायदा, कितना फायदा है टेल टाइडी नहीं लगाने का।